स्वामी विवेकानंद जयंती समारोह पर प्रतापगढ़ के लालगंज में आयोजित हुआ दीप प्रज्वलन व संकल्प विचार क्रांति। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के लालगंज नगर पंचायत में स्वामी विवेकानंद के जयंती के अवसर पर दिवसीय संकल्प विचार क्रांति समारोह एवं दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सम्मानित हुए अतिथियों व गणमान्य लोगों ने 1151 दीप प्रज्वलित कर स्वामी विवेकानंद जी के पदचिन्हों पर चलते हुए देश की रक्षा करने व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को चरितार्थ करने हेतु बेटी सुरक्षा का संकल्प भी लिया। यहाँ पर हम आपको बता दें कि दीप प्रज्वलन व संकल्प सभा का आयोजन आज भोर में सुबह 5 बजे तहसील क्षेत्र के हेमवंती नंदन बहुगुण पीजी कॉलेज परिसर में आयोजित किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में देवी स्वरूप कन्या व विशिष्ट अतिथि के रूप में उप जिलाधिकारी दिनेश मिश्रा, लालगंज व क्षेत्र अधिकारी लालगंज ओम प्रकाश दुबे मौजूद रहे। कन्याओं की रक्षा करके इस माँ भारती को बचाने की दिशा में, समस्त संसार को बचाने की दिशा में 12 जनवरी 1863 के श्री नरेंद्र दत्त जी स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। उनके प्रेरणादायी विचार हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनके विचार को क्रांति के रूप में समस्त भारत में फैलाने का बीड़ा श्री नरेंद्र ओझा जी और बाबा ने उठाया है, तथा मानवता का संकल्प लेकर समस्त ब्रह्मांड में मानवीय विचारों व सच्चाई के रास्ते को दिखाने के लिए 12 जनवरी को प्रातः सुबह 6 बजे दीप के माध्यम से उपस्थित होकर के समस्त क्षेत्रवासियों ने और हम सब ने संकल्प लिया है। इसी तरह से समस्त देश में बाबा नरेंद्र ओझा जी के माध्यम से सत्य के रास्ते पर चलने की दिशा में हम सब प्रार्थना के माध्यम से यहाँ संकल्प लेते हैं कि मानवीय विचारों तथा सच्चाई के रास्ते पर चलकर हम देश और समाज के लिए आगे आकर के जो हमसे हम सब साथ कदम मिलाकर के कर्तव्य पथ पर अग्रसर होंगे, भाईचारा और सत्य की दिशा में अपनी ओर से अपने कर्मों के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी के विचार क्रांति को कार्य रूप में परिणत करते हुए मूर्त स्वरूप प्रदान करेंगे। ठीक, हमारा नाम अरुण कुमार द्विवेदी है, पावर बाजार के पास हुआ है जी, वहीं से हम आए हुए जी। और बचपन से ही स्वामी विवेकानंद जी हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं और उधर ही जैसे मुझे बताया यहाँ इस तरीके से कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उसके बाद हम लोग कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। सर, कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के कैसा लग रहा है और क्या संकल्प आप लोगों ने लिया? कार्यक्रम सम्मिलित होकर के मुझे बड़ी खुशी का अनुभव हुई है और ओझा जी चलाया गया ये कार्यक्रम जी पूरे देश में एक क्रांति लाएगा जी और जन जन तक एक क्रांति लाएगा और जन जन तक ये कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। ठीक, धन्यवाद। लेकर के यहाँ पे दीप प्रज्वलित किए गए हैं, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आप कहाँ से आए हुए हैं और क्या नाम सर आपका? हमारा नाम कुलभूषण शुक्ला है, मैं समाज सेवी हूँ और तमाम सारे संस्थानों की स्थापना करके अलग अलग पर्यटन और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मैं समाज सेवा का कार्य विगत 21 वर्षों से कर रहा हूँ और मेरा घर तारापुर में है और मैं जब इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहा था तभी से मेरे मन में समाज सेवा का विचार आया और मैं विभिन्न माध्यमों से समाज सेवा का कार्य कर रहा हूँ और तारापुर से मैं आया हुआ हूँ और आज के इस कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के आयोजक महोदय ने मेरा आह्वान किया तो मैंने इसमें बढ़ चढ़ करके भागीदारी निभाया। धन्यवाद।
तो इस विषय पर आपका क्या कहना है? ये सोच संकल्पित आपकी जो हुई है ये कहाँ से हुई है सर? उनका जो कहना था कि उसको जागो जी, तब तक चलते रहो जी, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जी, तो हम आज मतलब सोते ही रहते हैं, जब उठेंगे जी तभी हम जगाएंगे, जब सब जग ही जाएंगे तो हम क्या जगाएंगे जी। इसलिए हमने उनको जगाने का हम लोगों ने प्रयास किया है और मुझे बड़ी खुशी है जी कि इतने कड़ाके की ठंड के बीच हमारे प्रतापगढ़, इलाहाबाद, रायबरेली, आसपास के जिलों से लोग आए और समय पर पहुंच गए। ये बहुत ही असंभव कार्य था, इसलिए ये लगता है ये बुद्धिजीवियों का क्षेत्र है, लालगंज बुद्धिजीवियों का क्षेत्र है। मुझे लगता है कि यहाँ से पूरी दुनिया के लिए, मानवता की रक्षा के लिए एक नया आगाज हो। आपने जब इसका शुभारंभ किया था तो आपने अकेले इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, लेकिन आज जिले के कई हिस्सों में यही कार्यक्रम आपके द्वारा संचालित हो रहा है, इससे क्या कहना है सर आपका? मैं बताना चाहूंगा कि ये फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए हमें तो पता ही नहीं कि आज हमारे साथ कितने लोग देश में कहाँ कहाँ दीप जला रहे हैं, मुझे नहीं पता है। हमारे पास फोन आता है, भैया आप अपनी फोटो भेज दीजिए, ये चीजें हैं, हमारे व्हाट्सएप पे भी है, तमाम जगह पे मेरा संदेश गया है तमाम। मेरा कोई ये चीजें नहीं, बस सिर्फ इतना ही सा है कि लोगों की मानवता की रक्षा के लिए लोग आगे आगे आएंगे और जब मानवता की रक्षा होगी तो निश्चित तौर से समाज के अपराध बढ़ेंगे, लोगों के बीच जो एक अच्छा प्रेम भाव बढ़ेगा, ये ऐसे में निश्चित तौर से हमारा भारत पूरी दुनिया में परचम लहराएगा। जो एक मानवता, जो उन्होंने शिकागो में एक मानवता का संदेश दिया था, उसकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब मानवता का पतन हो रहा है, उसके अस्तित्व को बचाने का समय निश्चित तौर से। इसका आगाज हम लालगंज में शिकागो में हुआ है और निश्चित तौर से SDM साहब और CO साहब ने जिस समय पर वक्त पे पहले ये पहुंचे, ये निश्चित तौर से एहसास कराता है कि यह लालगंज के क्षेत्र से पूरी दुनिया को जगाने का एक शुभारंभ हो चुका है और हो करके रहेगा। एहसास होगा मेरे भाई और दिन प्रतिदिन ये बढ़ता ही जाएगा और एक दिन पूरी दुनिया में परचम रहेगा। सर, कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जो है देवी स्वरूपा कन्याओं को आपने रखा है, इसका क्या कारण रहा है और आपने क्या सोच करके संकल्प किया जी? देखिए, जो पूजन की बात कन्याओं की है तो हमेशा जो है देवता, तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं असुरों का संहार करने के लिए जी, जब देवता। सर, ये सुबह का कार्यक्रम रखा गया है, ऐसे में आपका भी प्रतिभाग हुआ इस कार्यक्रम में, कैसी अनुभूति कर रहे हैं सर? यह कार्यक्रम आज 12 जनवरी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर, जिसे पूरा राष्ट्र युवा दिवस के रूप में मना रहा है जी, और जिस वैचारिक क्रांति की शुरुआत विवेकानंद जी ने शिकागो में 1893 में शुरू की थी, उस वैचारिक क्रांति को जिसमें नैतिकता और मानवीय मूल्यों की स्थापना का लक्ष्य था, उस लक्ष्य को लेकर के इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। हम सभी से आह्वान करते हैं, अपील करते हैं कि उन सनातन नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों पर हम चलें तो एक आदर्श मानव समाज की स्थापना हो सकती है, जो जिससे न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। और अंत में एक बात मैं दोहराना चाहूंगा, जो स्वयं विवेकानंद जी ने कही थी कि अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप टिल यू रीच योर गोल, इफ यू डोंट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ, तो इन सिद्धांतों को हम अनुगमन करें जी। इसी के लिए बाबा नरेंद्र ओझा जी ने इसका आयोजन किया, जिनका व्यक्तित्व भी उनके उस नरेंद्र जी से भी रिजेंबल करता है, उनको इसके लिए आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। धन्यवाद सर।